गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द एस जी पी एस ऑनलाइन क्लासेज आई होप योर दिवाली वेकेशन एंड नाउ बैक टू स्टडी सो लेट्स प्रोसीड दिस इज क्लास सिक्स सब्जेक्ट एसेस एंड द चैप्टर फोर्थ दिस चैप्टर बिलोंग्स टू हिस्ट्री द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया यानी भारत की प्रथम सभ्यताएँ इनमें हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे वॉट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस इज नेम ऑफ रिवर सिंधु वैली यानी घाटी सिविलाइजेशन सभ्यता सो प्रोसीड लेट्स स्टार्ट मैं लाइफ स्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर इंट द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स जब मनुष्य ने मेटल को यूज करना सीख लिया या मेटल से उसने टूल्स बनाना सीख लिया तो उसकी जो लाइफ थी सिग्निफिकेंटली बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से चेंज हो गई कोपो वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन कॉपर पहली धातु थी जिसका प्रयोग मनु मनुष्य के द्वारा किया गया था इट वाज फॉलोड बाय ब्रॉन्ज विच वाज मेड बाय मिक्सिंग टिन एंड कॉपर कॉपर के बाद नेक्स्ट उसने ब्रॉन्ज मेटल का यूज स्टार्ट किया और ब्रांज जो मेटल थी वो टिन और कॉपर को मिक्स करके बनाई जाती थी एज ब्रॉन्ज वाज अ हार्ड मेटल क्योंकि ब्रांज एक हार्ड मेटल थी इट मैड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्लॉविंग ऑफ फॉरेस्ट एंड डिंगिंग ऑफ कैनल्स इजियर और क्योंकि एक बहुत हार्ड मेटल थी इसकी वजह से फॉरेस्ट को क्लियर करना साफ़ करना यानी बिल्कुल जंगलों को साफ करना पेड़ पौधों को काटना प्लॉविंग ऑफ फॉरेस्ट और जंगलों को प्लो करना जोतना एंड डिगिंग ऑफ कैनल्स और नहरों की खुदाई आसान हो गई विलेज सेटलमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स एनलाज धीरे धीरे जो विलेज सेटलमेंट्स से, से गांव की बस्तियाँ थी वो नदी के किनारे के, के पास एललाज बढ़ने लगी विद डिस्कवरी ऑफ न्यू टूल्स नए नए टूल्स के आविष्कार के साथ खोज के साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑल्सो इम्प्रूवड और जो कृषि की तकनीकी थी वो भी धीरे सुधर धीरे धीरे सुधरने लगी मेन ना इन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और अब तो मनुष्य ने नई नई चीज़ों का उत्पादन शुरू कर दिया था अ वराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन लाइक पोर्ट मेकिंग वीविंग टूल मेकिंग एंड ब्रिक मेकिंग एमर्ज और वराइटी ऑफ ऑक्युपेशन विभिन्न प्रकार के रोजगार जैसे कि पोर्ट मेकिंग मिट्टी के बर्तन बनाना वीविंग बुनाई करना टूल मेकिंग छोटे छोटे टूल्स बनाना और ब्रिक मेकिंग ईंटें बनाना भी अब इमर्ज हो चुके थे नए नए उभर चुके थे विद दिस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज और इसी के साथ अब चीज़ों की और सामानों की और सेवाओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई और इसी के साथ इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ जो गांव थे वो टाउन्स और सिटीज़ में अब उभरने लगे थे बदलने लगे थे द अर्लियर सिटीज़ ऑफ़ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इमर्ज अराउंड फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयर्स इन द रीजन ग्रैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज इन द नॉर्थ वेस्ट और जो भारत की सबसे पहली सिटीज़ थी प्राचीनतम जो शहर थे भारतीय उपमहाद्वीप के वे लगभग सैंतालीस सौ वर्ष पहले उभरे थे उदय में आए थे सामने आए थे और वे इंडस नदी और उस नदी के द्वारा सिंचित जो क्षेत्र है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट में वहां पर ये प्राप्त की गई एंड एंड दिस इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन नॉन एज द स्टोरी ऑफ हरप्पा द स्टोरी ऑफ हरप्पा हरप्पा की कहानी सबसे पहले हम ये देखते हैं हरप्पा क्या है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई तो सबसे पहले हरप्पा नामक शहर में खुदाई की गई थी और इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं तो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हड़प्पा की जो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है नाइटीन फिफ्टी सिक्स वन ब्रिटिश वर् बिल्डिंग लाहौर टू मुल्तान रेलवेज अठारह में जब ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे वो लाहौर से मुल्तान तक की रेलवे लाइन बना रहे थे निर्माण कर रहे थे दे स्टम्बल्ड अपॉन ए माउंट ऑफ फाइनली बैग ब्रिक्स नियर द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रजेंट डे पाकिस्तान तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने एक माउंट उन्हें एक ढेर मिला बैग्ड ब्रिक्स पक्की हुई ईंटों का हड़प्पा जो प्रजेंट डे पाकिस्तान में उस स्थान के पास में उन्हें पकी हुई ईंटों का ढेर मिला थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वर्क कैरिड ऑफ अप टू बिल्ड रेलवे लाइन्स और उसमें से कई सारी हज़ारों ईटों का इस्तेमाल किया गया रेलवे लाइन्स को बनाने के लिए हाव एवर इट वज नोट आंटिल नाइनटीन ट्वेंटी फोर दट जॉन मार्शल द तेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन यद्यपि उन्नीस सौ चौबीस तक यहाँ कुछ नहीं पता चला जब तक कि जॉन मार्शल जो कि उस समय के डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर एक बहुत ही महान सभ्यता जिसे ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अस्तित्व था सिंस हड़प्पा वॉज अ फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड इट वॉज ऑल्सो कॉल हलप हड़प्पन सिविलाइजेशन क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला स्थान था जहाँ पर खुदाई या खोज शुरू की गई थी इसीलिए मैं सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं कनेक्ट टू हिस्ट्री देखते हैं इन एटीन फिफ्टी सिक्स ब्रिटिश इंजीनियर्स जॉन एंड विलियम बर्टन वर्ल्ड लाइन द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी लाइन कनेक्टिंग द सिटीज ऑफ कराची एंड लाहौर अठारह सौ छप्पन में जो ब्रिटिश इंजीनियर थे जॉन एंड विलियम बर्टन वो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को बना उसको कनेक्ट कर रहे थे कराची और लाहौर से दे डिस्कर्द एन एंशंट सिटी नियर द रेलवे लाइन दिस सिटी दिस वॉज सिटी ऑफ हड़प्पा उन्होंने एक नए प्राचीन शहर की खोज की जिसे उन्हें सिटी ऑफ हड़प्पा था वो शहर साइट्स ऑफ इंडस वैली देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन बहुत ही विस्तृत ये सभ्यता थी बिस हड़प्पा एंड मोहेंजोधर और अदर इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ दिस कल्चर व रोपर लोथल रंगपुर एंड रोजरी ऑल इन गुजरात और जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान में इनके अलावा भी हमारे कई सारे इनकी साइट्स मिली हैं हमारे देश में भी जैसे कि रोपर और लोथल रंगपुर और रोजड़ी जो कि गुजरात में हैं कालीबंगा राजस्थान में है कोटदीजी अमरी एंड चन्हुदड़ो ये सिंध पाकिस्तान में बनवाली बनवाली हरियाणा में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और ऐसी कई सारी साइट्स हमारे इंडिया और पाकिस्तान में इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं देखिए आई एम शोविंग यू द मेप ये जो है इस मेप में पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स दिखाई गई ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि इंडिया के बॉर्डर्स हैं और पाकिस्तान में हड़प्पन कल्चर ये मोहन है ओके और इंडिया में भी ये देखिए रंगपुर ठीक है ये रन ऑफ कच्छ है चनहूदड़ो कोटदीजी अमरी लोथल है ना ये सारी इसकी साइट्स हैं इसके अलावा वन ये देखिए इंडिया और पाकिस्तान के इंक्लूडिंग पार्ट में ये देखिए दिस इज़ ऑल्सो द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यू कैन सी दिस इज़ द कोर्स ऑफ इंडस वैली इंडस रिवर ये इंडस नदी का पूरा कोर्स है और ये धोलावीरा कोर्ट दीजिए ये राजस्थान और इंडिया के पार्ट से और ये जो है मेहरगढ़ मोहन हड़प्पा ये सब पाकिस्तान के अंदर के पार्ट हैं ओके सो लेट्स प्रोसीड ये देखिए मोहन एक मूवी भी आई थी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी बहुत कुछ इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया था तो ये है मोहन जोदाड़ो का बहुत ऊपर से या यूं कहें स्पेस पिक ओके नेक्स्ट ये देखिए इस तरह से बनी हुई थी इस इसकी टाउन प्लानिंग या इस सिटी प्लानिंग देखिए बिल्कुल बैगड दे, ब्रिक्स आप देख सकते हैं पक्की हुई थे और बिल्कुल बहुत ही अरेंज बहुत ही टाउन प्लानिंग इसकी बहुत ही सुपर थी चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में वन बाय वन चीफ फीचर्स ऑफ हरपन कल्चर हरपन सभ्यता की कुछ मुख्य विशेषताएं द मेन फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन द इंडस वैली सिविलाइजेशन आज ए गिवन अहेड जो मुख्य विशेषताएं थी हरपन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो थी सबसे पहले आर्किटेक्चरल फ़ीचर्स यू कैन सी आर्किटेक्चरल फीचर्स ंग इंडस वैली पीपल के लोग थे बहुत ही कुशल थे टाउन प्लानिंग में द स्ट्रीट्स एंड लैंड्स ऑफ द फॉर लेड आउट अकॉर्डिंग टू अ सेट प्लान उनकी जो गलियाँ और जो नालियाँ हैं गलियाँ हैं सड़कें हैं वे बहुत ही सेट प्लान बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई हैं दीज वर स्ट्रेट एंड कट ईच अट राइट एंगल से बहुत ही सुनियोजित है और एक दूसरे को राइट एंगल पर इस तरह से काटती है। हैं द रोड्स आर वाइड इनफ सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं एंड द स्ट्रीट्स वर वर्क विथ फर्स्ट फायर ब्रांड ब्रिक्स और जो गलियाँ हैं वे भी वहाँ पर भी आग से पकाई हुई ईंटों से बनी हुई सड़कें देर व कवर ड्रेन रनिंग अंडर दें और उन उन्हीं गलियों में कवर्ड ड्रेन से ढकी हुई नालियाँ हैं और देयर आर व लैम्प पोस्ट रेगुलर डिस्टेंस और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिजली के खंभे भी दिए हुए हैं ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं द मोस्ट स्पेशल फीचर ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है जल निकास का जो सिस्टम है ये यूँ कहे नाली व्यवस्था द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ दिस सिटीज़ वॉज य वेल डेवलप ड्रेनेज सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो ड्रेनेज सिस्टम थी एवरी हाउस एवरी हाउस है ड्रेन्स विच व कनेक्टेड टू द मेनटेन्स ऑफ द स्टेट्स हर घर के अंदर ड्रेन्स थी नालियाँ थी जो कि मुख्य नाली से जुड़ी होती थी द ड्रांस वर्क कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स और वे नालियाँ ढकी हुई थी स्टोन स्लैब से इंस्पेक्शन हॉल्स इंस्पेक्शन हॉल्स वो प्रोवाइडेड एट रेगुलर डिस्टेंस टू क्लियर देम और उन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इंस्पेक्शन करने के लिए हॉल्स बने हुए थे ताकि उनकी सफाई की जा सके लुक दिस ये तो देखते हैं हरप्पा की टाउन प्लानिंग आप देख सकते हैं कितना सुनियोजित बना हुआ शहर है वाटर सप्लाई ये देखिए ये ड्यूंस से लेकिन देखिए इस सपोज इस जगह कोई घर रहा होगा तो इसकी नाली ये मेन ड्रेन में मिलती है ये थोड़ी थोड़ी दूर पर नालीज हैं ड्रेन्स हैं और ये देखिए इन पर सर्वे हॉल्स भी दिए हुए हैं ओके ये देखिए और कहीं कहीं पर कवर्ड ड्रेन्स भी हैं जो कि स्टोन स्लैप से कवर्ड हैं यू कैन सी डीज ड्रैंस हर घर के बाहर आप देख सकते हैं यू कैन सी ये हाउस है इसके बाहर ये ड्रेन है ओके okay? देखिए वन मोर पिक अब हम पढ़ते हैं सिटीज हाउसेस एंड बिल्डिंग्स यानी कि शहर घर और इमारतें द सिटीज वर्ल्ड लार्ज एंड वेरी वेल प्लान शहर बहुत ही बड़े सुनियोजित थे मोस्ट ऑफ़ द सिटीज़ कंसिडर्ड ऑफ टू पोर्स अधिकतर शहर दो भागों में डिवाइडेड थे द दिटेडल एंड द लोअर टाउन जो अपर पार्ट था उसे सिटेडल या गढ़ कहते थे और जो लोअर पार्ट जो निचला हिस्सा था उसे लोअर टाउन द दिटीडल वुड बी अ हायर लेवल देन द लोअर टाउन जो सिटीडल था वो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था लोअर टाउन सेजवली लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी और अक्सर किसी भी शहर के वेस्ट साइड पर ही सिटीडल थोड़ा ऊंचा ऊँचाई गढ़ बना हुआ होता तो था द सिटल वाज यूज फॉर पब्लिक गैदरिंग्स एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हेल्ड इन द सिटीज़ सिटीडल का प्रयोग पब्लिक गैदरिंग जनसभाओं के लिए और दूसरे महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जो कि शहर में होती थी किया जाता था लोअर टाउन वॉज यूज फॉर डेली एक्टिविटीज़ लाइक लिविंग वर्किंग इन कंडक्टिंग बिजनेस जो लोअर टाउन था उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि रहने के लिए लिविंग वर्किंग कार्य करने के लिए और कंडक्टिंग बिजनेस विभिन्न प्रकार के व्यापार करने के लिए किया जाता था हाई क्वालिटी मर्ट ब्रिक्स व यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग्स घरों की दीवारों और इमारतों को बनाने के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी की मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है दीज ब्रिक्स व स्टॉन् स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग एज दे हेड बीन बैग बाय फायर और सनलाइट और ये जो ब्रिक्स थी बहुत ही स्ट्रांग मजबूत थी और लॉन्ग लास्टिंग थी संभवत इन्हें आग में या सूरज के प्रकाश में पकाया गया था दे वर ऑल्सो लेड आउट इन इंटरलॉकिंग पैटर्न टू इन शो स्ट्रॉगर वॉल्स और वे इंटरलॉकिंग लॉकिंग में यानी कि ये इसके ऊपर ये वेट देखिए जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम ये है इसके ऊपर ये है इसके ऊपर यू है ताकि ये एक दूसरे से लोक रहें एक दूसरे से गिरने का आपने देखा होगा जब घर बनाते हैं तो इस तरीके से देखिए वन टू थ्री फोर तो इसके ऊपर ये इस तरीके से इंटरलॉकिंग सिस्टम में ब्रिक्स रखी जाती है ताकि उनके टूटने का चांस कम हो ओके तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में तक ये स्ट्रोंगर वॉल्स बने इसलिए लगाई गई थी द हाउस हैड एन ओपन कोर्टयार्ड इन देंटर विद रूम्स बिल्ड अराउंड इट घरों के एकदम सेंटर में बीच में ओपन कोर्टयार्ड ओपन आंगन होता था द कोटयार्ड एनश्योर दैट देयर वॉज इनफ लाइट एंड एयर इन द हाउस और कोर्टयार्ड आंगन ये सुनिश्चित करता था कि घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में लाइट और एयर प्रवेश करें ये देखिए आई एम शॉपिंग यू सिटी डल ये वेस्टर्न साइड पे होता था और काफ़ी ऊंचा पब्लिक गैदरिंग के लिए बनाया जाता था एक इमारत जैसा अंदर काफ़ी बड़ा हॉल होता था वन मोर देखिए ये तो लोअर टाउन है यहाँ पर लोग रहते थे अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ और ये सिटी में पब्लिक गैदरिंग होती थी देखिए वन मोर पिक ये देखिए हरप्पन सिटीज़ ये हरप्पा के घर हैं यू कैन सी ये मैन नालियाँ हैं घर वन और टू स्टोरीज हुआ करते थे और बहुत ही ये देखिए आप हम यू देखिए बैक ब्रिक्स जो है इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई गई है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगी ये वन मोर पिक क्लोज पिक चलिए आप पढ़ते हैं इट ऑल्सो सर्व एज अ प्लेस ऑफ टू हैव फैमिली गैदरिंग और ये जो था यहाँ पर फैमिली गैदरिंग के लिए भी हाउसेज uh, में स्पेस होता था एविडेंस ऑफ वेल्स एंड सेपरेट बाथिंग एरियाज़ हैव हैल्सो बिन फाउंड इन सम ऑफ दीज हाउसेज और यहाँ पर एविडेंस सबूत मिले हैं कि यहाँ पर कुएँ थे या फिर एक बिल्कुल अलग बाथिंग एरिया होता था घरों के अंदर कुछ घरों के अंदर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन हाउसेज ओनली वन और टू सौ स्टोरेज अधिकतर घर एक या दो मंजिला हुआ करते थे द सिटीज हैड मेन रोड्स शहर में जो मेन रोड हुआ करते थे स्ट्रीट्स और लेंस हुआ करती थी गलियाँ हुआ करती थी तो मेन रोड्स पर लाच और मुख्य सड़कें काफ़ी बड़ी होती थी इस चीज पर स्मॉलर और गलियाँ छोटी हुआ करती थी इन लेंस वो स्मॉलर जो लेंस थी बहुत सकड़ी हुआ करती थी चलिए अब देखते हैं ग्रेट बाद ग्रेट पांच नाम से ही पता चल रहा है बड़ा स्नाना इट इज फाउंड ऑन द सिटेटल इन महंजो दाड़ो एंड लुक्स लाइक अ स्पेशल रेक्टेंगुलर टैंक यह मोहनजो दाड़ो के सिटेटल में प्राप्त हुआ है खुदाई में और ऐसा लगता है कि स्पेशल रेक्ट विशेष आयताकार टैंक एट आज की स्विमिंग पूल जैसा था ये समझ लीजिए इट इज एम्बल्स लास्ट स्विमिंग पूल एक बड़े स्विमिंग पूल से मिलता जुलता है इट मेजल्स इलेवन पॉइंट एट एट मीटर्स इन लेंथ सेवन पॉइंट जीरो वन मीटर्स इन विथ एंड टू पॉइंट फोर्टी थ्री मीटर्स डीप इट वॉज लाइन विथ ब्रिक्स एंड कॉटेड विथ प्लास्टर ये जो इस पर अंदर की ओर ब्रिक्स से लाइन्स बनी होती थी और उस पर प्लास्टर होता था इट वॉज मेड वाटर टाइट विद अ ऑफ नेचुरल टार और ये टाइट पानी के लीकेज को बचाने के लिए नेचुरल डार प्राकृतिक डामर की एक लेयर इस पर होती थी देर इज स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स और इसके दोनों और अंदर इसमें पानी में उतरने के लिए स्टेप्स हुआ करती थी सीढ़ियाँ देवर रूम्स ऑन ऑल साइड्स इसके जैसे ये रेक्टेंगुलर हैं तो इसके चारों तरफ रूम थे एंड डेट वर प्रेबेबल यूज चेंजिंग रूम्स इनका प्रयोग संभवतः चेंजिंग रूम्स के लिए किया जाता था चेंज करने के लिए जैसे कि स्विमिंग पूल वगैरह के पास में चेंजिंग रूम्स होते हैं द बात है टू ओपनिंग्स और इस बात के अंदर दो ओपनिंग्स थे वन एट द टॉप टू दू टू लेट इन वाटर दो ओपनिंग दो हॉल जैसे थे एक ऊपर की तरफ था जहाँ से पानी को अंदर आने दिया जाता था एंड वेल सिचुएटेड नियर बाय और द अदर ओपनिंग वॉज यूज टू ड्रेन आउट वाटर आफ्टर यूज और दूसरे का प्रयोग पानी प्रयोग के बाद पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था द स्कॉलर्स जनरली स्कॉलर्स जनरली एग्री डेट द इम्पॉर्टेंट पीपल टुक बाथ इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स एग्जाम्पल ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज़ और विद्वान ये बताते हैं दैट इंपॉर्टेंट पीपल केवल महत्वपूर्ण लोग ही इस ग्रेट बाथ का यूज़ कर सकते थे विशेष अवसरों पर विशेष रूप से जैसे रिलीजियस सेरेमनीज़ आदि जैसे हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा किसी की मृत्यु के बाद सब लोग एक साथ स्नान करते हैं या फिर रिलीजियस सेरेमनीज़ जैसे कार्तिक वगैरह का स्नान करते हैं तब भी लोग एक साथ गैदरिंग करके स्नान करते हैं ये देखिए आई एम यू द इमेज ऑफ ग्रेट बात इसके दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ हैं डी पे देख सकते हैं चेंजिंग रूम होंगे उनका निशान है ठीक है और यहाँ पर ये टू ओपन एक ओपनिंग इस तरफ है और उस तरफ है ये पानी को अंदर एकत्रित करने के लिए और दूसरा पानी की निकासी के लिए देखिए कितना सुनिश्चित तरीके से बनाया हुआ और पूरा बेग्ड ब्रिक से इसकी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं वन मोर इमेज आई गोइंग टू ये सीटेडल पे बना हुआ है काफी ऊंचाई पर और ये देखिए इसकी क्लोज इमेज यू कैन सी नेक्स्ट इज ग्रेनरीज एंड लार्ज हॉल्स ग्रेनरीज एंड लार्ज हॉल्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हड़प्पा मोहनजोदारो शहर जो थे वहाँ पर जो ग्रेट ग्रेनरीज और बड़े बड़े हॉल प्राप्त किए गए खुदाई से द लार्ज हॉल एक्सकेवेटेड फॉर मोहनजोदारो हैज बीन आइडेंटिफाई एज रेजिडेंस ऑफ वेरी हाई ऑफिशियस वह वैक्रीफाइस में है बिन परफॉर्म हैन फाउंड फ्रॉम सिटीज़ एज सच एस कालीबंगा एंड लोथन और लार्ज हॉल ये जो मोहन जो दाड़ों में खुताई से बड़े बड़े हॉल्स मिले हैं या ऐसा लगता है कि रेजिडेंस ऑफ वेरी हाई ऑफिशियल बहुत ही उच्च अधिकारी का घर निवास होगा बाय द स्कॉलर ये ऐसा विद्वानों ने बताया है और ऐसी वेदियाँ बनी हुई है जहाँ पर सेक्रीफाइसिस किया दी बली दी जाती होगी और ये भी ऐसे कालीबंगा और लोथल शहर में प्राप्त हुए हैं देखिए हम शॉपिंग यू द इमेजेस ये देखिए ग्रेनरीज हैं यहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता होगा बड़ा हॉल जैसा है वन मोर इमेज एम शॉपिंग यू अम्यूजमेंट देखते हैं द पीपल ऑफ़ दिस कल्चर ऑफ फूड फाउंड ऑफ एंटरटेनमेंट इस जो सभ्यता के लोग थे इंडस्ट वैली सभ्यता के लोग ये मनोरंजन के बहुत शौकीन थे देवर नॉट ऑन मच इंटरेस्टेड इन आउटडोर गेम्स सच एज हंटिंग एंड कै रेसिंग ट्रेसिंग जो आउटडोर गेम्स में बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं रखते थे जैसे कि शिकार करना या चर रथ जो दौड़ होती थी उनमें बल्कि दे म्यूज अम्यूज बाई डांसिंग एंड सिंगिंग वे अपने आप को मनोरंजन करते थे डांसिंग और सिंगिंग के माध्यम से संगीत और नृत्य के माध्यम से दे प्लेड अ गेम विच इज़ लाइक मॉडर्न चेस वे मॉडर्न चेस की तरह शतरंज की तरह दिखाई देने वाला गेम खेलते थे संभवतवच्च अवसर हो सकता है चिल्ड्रन वर प्रोवाइडेड विथ टॉयज मेड ऑफ क्लेन वुड बच्चों को खेलने के लिए वुड लकड़ी या मिट्टी के खिलौने दिए जाते थे बिसाइड्स मैन एंड वुमेन हु मेड थिंग्स इन देयर ओन हाउसेज इसके अलावा महिलाएं पुरुष कलाकार और होते थे जो कि अपने घरों में बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाते थे मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव हैबिन फाउंड विद चिल्ड्रन प्लेइंग देयर और यहाँ पर कई सारे टेराकोटा टॉयज प्राप्त किए गए हैं और जिनसे बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है व्हील मेड रेड पोर्स विद ब्लैक डिज़ाइंस है फाउंड एड हड़प्पन साइड्स और व्हील मेड रेड पोर्स व्हील से बने हुए रेड पोर्ट्स लाल मिट्टी के बर्तन दिखाए गए हैं जिन पर ब्लैक डिजाइन से ये हड़प्पा के साइट पर प्राप्त हुए बहुत एनिमल्स एंड जियोमेट्रिक शेप्स हैव बीन शेप्स कैन बी सीन इन द डिज़ाइंस और इनके ऊपर एनिमल्स या जियोमेट्रिक जो शेप्स होती है चाहे रैक्टेंगल ट्राइंगल ये इन डिज़ाइंस के रूप में देखी जा सकती है इन पोर्ट्स पर हैंडमेड पोर्ट्स है ऑल्सो बीन फाउंड हाथ से बने हुए पोर्ट भी यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं ब्रॉन्ज स्टेचूस ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ आइवरी कारविंग्स हाथी दांत से जो जड़ी चीज़ें हैं या टेराकोटा टॉयज है फाउंड इन मैनी प्लेसेस और टेराकोटा मिट्टी को पका कर बनाए गए कई सारे टॉयज भी अलग अलग स्थानों पर खुदाई में प्राप्त हुए हैं देखिए यहाँ पर भी इमेज दिखाई गई हैल्सो शॉपिंग में है। ये तो ग्रैनरी हुई ये देखिए रेड पोर्ट्स हैं इन पर ब्लैक डिजाइंस बनी हुई आप देख सकते हैं ओके दीज आर रेड पोर्ट्स इसके अलावा ये देखिए कितनी तरह डिजाइन डिजाइन के पोर्ट्स हैं ये ब्रॉन्ज फिगरेन्स हैं ओके, आप देख सकते हैं तो अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ कपड़ों का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ वाज अ सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़पन हरपनों का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ कपड़ों का उत्पादन करना पीपल पर वॉल क्लॉथ्स ऑफ कॉटन एंड वो लोग कप कॉटन यानी कि सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे कॉटन वॉल्स प्रोडक्ट ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्राम अबाउट सेवन थाउजेंड ईयर्स है ग्रो लगभग मेहरगढ़ में सात हज़ार वर्ष पहले कॉटन ग्रो की जाती थी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल वॉल्स यूज इन स्पिनिंग थ्रेड वॉल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्राम वेरियस साइड्स और स्पिंडल वॉल्स यानी जो धूरी होती है तकली होती है चरखा होता है इसके भी प्रमाण कई सारे स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं वेरियस साइड्स पर दे वो मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस और वो टेराकोटा और फैंस से बने हुए होते थे एंड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वॉज डन ऑन गार्मेंट्स और इन कपड़ों पर बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती थी अब ला इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर इमेज बनाना मूर्ति बनाना देखते इंडस वैली पीपल हैड मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर मूर्ति बनाने के क्षेत्र में इंडस वैली के लोगों ने बहुत अधिक प्रोग्रेस की है मैनी स्टेचूज एंड फिगरिंगस बहुत ऑफ एनिमल्स एंड मैन सच एज अ यंग बुल अ स्ट्रॉन्ग गोस्ट डॉग अ योगी वीयरिंग अ शॉल एंड अ डांसिंग गर्ल विद हर एंड आर ऑन हिप वर हर वर्दी टू नोट और कई सारी स्टेचूज और फिगरेंस मूर्तियाँ मिली हैं कलाकृतियाँ मिली हैं एनिमल्स की भी और मनुष्यों की भी जैसे कि यंग बुल एक यंग यू आर बेल स्ट्रॉ स्ट्रॉन्ग वॉश एक निगरानी करने वाला कुत्ता योगी वियरिंग ए शॉल एक योगी जिसने शॉल पहन रखी है डांसिंग गर्ल विद और ये देखिए यहाँ पर डांसिंग गर्ल जिसके हैंड्स हिप पर हैं ये भी देखने लायक ऐसे फिगरिंग्स वहाँ उन लोगों ने बनाए हुए हैं देखिए आप ये देखिए डांसिंग गर्ल विद है, हैंड ऑन हिप और ये देखिए ऑर्नामेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं और ये एक मैन का फिगर है जिसने शॉल पहना हुआ कैन सी ही नेक्स्ट इज ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स बहुत मैन एंड वुमेन वॉर ऑर्नामेंट्स बहुत महिला और पुरुष दोनों ही गहने पहनते थे मैन यूज टू वेयर धोती और कवर द लोअर पोर्शन ऑफ देअर बॉडी एंड वुमेन वर स्कर्ट्स और लेंगाज एंड कवर दैम सेल्स बाई शॉल्स ऑन देअर शोल्डर्स पुरुष और महिलाएं दोनों ही वस्त्र पहनते थे और पुरुष जो थे धोती जैसा वस्त्र पहनते थे नीचे और ऊपर के पोर्शन पे उनका जो वस्त्र होता था वो उनके कंधे पर जाता था महिलाएं स्कर्ट और लहंगा पहनती थी और अपने आप को शॉल से कवर करते थे शोल्डर्स को कॉटन वॉज मोस्ट कॉमन फैब्रिक यूज कॉटन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला फैब्रिक था वूल एंड सिल्क व ऑल्सो यूज वूल और सिल्क का प्रयोग भी किया जाता था तो ऑर्नामेंट्स व मेड ऑफ बॉन्स ऑफ एनिमल्स और जो ऑर्नामेंट्स थे जॉल ज्वेलरी जो थी वो पशुओं की बॉन्स से बनाए जाते थे शेल्स शंख से कॉपर ताम्बे से एंड रिच पेपिलिय गोल्ड सिल्वर एंड पेशेज स्टोन जबकि अमीर लोग जो थे वो सोना चांदी और बहस कीमती रत्नों का प्रयोग करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए ओर्नामेंट्स बनाने के लिए गहने बनाने के लिए सील सील का मतलब मोहरें मोर देन टू थाउजेंड ईयर सील्स डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइड ऑफ हर अपन कल्चर हर अपन संस्कृति की दो हज़ार से विधिक सील्स खोजी गई हैं देवर दे आर स्मॉल इन साइज एंड हैड मेड ऑफ टेराकोटा ये आकार में छोटी और टेराकोटा से बनी हुई हैं सील्स ऑफ स्टोन हैल्सो भी इन फाउंड पत्थर से बनी हुई सीलें भी प्राप्त की गई है एंड बिसाइंड द फिगर्स ऑफ एनिमल्स द सील्स हैव ए फ्यू वर्ड्स इंस्क्राइबड ऑन देम और एनिमल्स की फिगर के साथ साथ उन सील्स पर कुछ लिखा हुआ भी है द सील्स थ्रो लाइट ऑन देअ ड्रेस रिलीजियस बिलीवस एंड ट्रेड और ये जो मोहरे हैं उस समय के लोगों की ड्रेस के ऊपर उनके रिलीजियस बिलीव्स और उनके व्यापार पर भी प्रकाश डालती है देखिए आई एम शविंग यू ये तो ये मैन है जिसने अपनी बॉडी पर शॉल डाली हुई है से इंडिकेट होता है कि अपनी बॉडी पर कंधों पर शोल्ड डालते थे ये देखिए सील्स कैन सी ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स जो कि खुदाई में प्राप्त की गई है यू कैन सी दीज ऑल ओके वैट इन मेजर्स वैट इन मेजर्स वेट एंड मेजर्स हैव बिन फाउंड फ्रॉम वेरियस बहुत हैवी एंड स्मॉल वर इन यूज वेट्स और मेजर्स जो थे यानी कि जो तोल के लिए बांट वगैरह होते हैं माप होते हैं वे विभिन्न स्थानों पर खोज में प्राप्त हुए हैं और दोनों ही हैवी और स्मॉल जो वेट थे वो यूज किए जाते थे देवर मेड ऑफ चर्ट एक विशेष प्रकार के जो स्टोन होते थे चर्ट जेस्परिया एजेड जिसको हम गोमैथ कहते हैं उससे बने होते थे स्टिक्स इंस्क्राइब विद मेजरिंग मार्क्स है और स्टिक्स जिन पर लिखा हुआ है मेजल्स वे भी वहाँ पर विभिन्न स्थानों पर प्राप्त की गई इंडस वैली की वन ऑफ दीज इज़ मैड ऑफ ब्रॉन्ज और इनमें से कुछ जो है वो ब्रॉन्ज से भी बनी हुई हैं आर्ट ऑफ राइटिंग द इंडस वैली पीपल वर वेरी एडवांस पीपल हु नो हुन यू हाउ टू राइट इंडस वैली सभ्यता के लोग बहुत ही एडवांस थे बहुत ही प्रगतिशील थे वे जानते थे कि कैसे लिखते हैं देर स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफ वेर ईच पिक्चर और अ सिंबल रिप्रेजेंटेड वर्ड और अ साउंड और उनकी जो स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक थी चित्राकार थी जिसमें प्रत्येक पिक्चर और सिम्बल एक विशेष आवाज़ या अर्थ प्रकट करता है द राइटिंग इज फ्रॉम हाइट टू राइट टू लेफ्ट उनकी जो राइटिंग थी वो राइट से लेफ़्ट इस तरीके थी जैसे कि हम उर्दू लिखते हैं ओके एंड हाव एवर द स्क्रिप्ट वाज हैज़ नॉट बिन सो फार और ये जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली की वो आज तक नहीं पढ़ी गई डेसीफर्ड का मतलब अभी तक नहीं पढ़ा गया है इसको आज तक तो कोई भी इंडस वैली स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा गया अगर वो पढ़ लेते तो शायद हम इंडस वैली के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे देखिए इनके ये, ये वेट है और ये मेजर्स है इन वेट को मेजर करने के लिए तराजू है यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर्स है ये और ये है वहाँ की सील्स आप देख सकते हैं ओके अब है पेंटिंग द इंडस वैली पीपल लाइक पेंटिंग इंडस वैली के लोगों को पेंटिंग का बहुत शौक था सो देट यू डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन एंड फिगरेंस ऑन अर्थनवेयर एंड यूटेंसल्स और इसीलिए विभिन्न प्रकार के डिजाइन और जो फिगर थे वे अर्थनवेयर्स मिट्टी के बर्तनों पर और सामानों पर बना दिया करते थे देड लर्न द आर्ट ऑफ ड्राॅइंग एंड पेंटिंग ऑफ बॉथ मैन एंड एनिमल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अप टू द एप्रिशिएबल लेवल और वे जो थे पेंटिंग के बहुत शौकीन थे और वो जो पेंटिंग थे उसमें वो मैन और एनिमल दोनों ही चीज़ें बनाया करते थे और इस नेचरल की चीज़ें भी बनाया करते थे बहुत ही प्रशंसनीय स्तर के बनाया करते थे ऑल्सो डू डॉट्स वे डॉट्स बनाते थे इस तरीके से देखिए इस तरीके डोट बनाकर डिज़ाइन बनाते थे वर्टिकल एंड हॉरिजोनटल्स वर्टिकल सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वर्टिकल लाइन से और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाए करते थे और कई सारी जियोमेट्रिक डिज़ाइन जैसे कि सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल या कोण और रेक्टेंगल रेक्टेंगल आदि वो बनाया करते थे ओके इन वन केस वी हैव कम अक्रोस शी गोट सकिंगर किड और एक केस में हमें एक फिगर इन मिला है जिसमें एक शी गोड एक बकरी अपने बच्चे को दूध पिला रही है एंड हैंड मूविंग नियर बार पास में एक हैंड चल रही है इन अदर फिगर अ मैन इज अज कैरिंग टू लार्ज फिशिंग नेट्स और इन शोल्डर और दूसरी इमेज में एक व्यक्ति अपने कंधों पर एक बड़ी सी फिशिंग नेट लेकर आ रहा है ऑल दिस फिगर्स शो द पीपल ऑफ इंडस वैली वर गुड इन पेंटिंग एज वेल एज इन क्राफ्ट तो ये सारे फिगर्स बताते हैं कि जो इंडस वैली के लोग हैं वे बहुत ही गुड थे बहुत ही परफेक्ट थे अच्छे थे पेंटिंग की और क्राफ्ट की कला में फूड एंड एग्रीकल्चर भोजन और कृषि द फूड ऑफ द हड़प्पा इंक्लूड व्हीट बाले राइस मिलर्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क की एन मीट एज वेल जो हड़प्पा के लोग थे वो भोजन में गेहूँ जो चावल बाजरा ज्वार दालें फल सब्जियाँ दूध घी और मांस सभी चीज़ें शामिल करते थे दे आर दे एट मीट ऑफ डियर गोट शिप क्रोकोडाइल एट्सेट्रा और वे जो मांस खाते थे वो डियर यानी हिरण का इसके अलावा गोट बकरी का शिप का और क्रोकोडाइल आदि जानवरों का खाता था एंड कं खाते थे एंड कंज्यूम फिश एंड एग्स टू वे मछली और अंडे भी खाते थे द फाइंडिंग ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ रबिंग स्टोन क्वैंस फ्राम हरप्पन साइड सजेस्ट डेड द हरप्पन यूज नंबर ऑफ स्पाइसे स्पाइसेस टू मेक दियर फूड मोर पोर्टेबल और जो रबिंग स्टोन क्वैन से जो हाथ की चक्की कह सकते हैं हम या जो सिलबट्टा है वो हमें कई जगहों पर मिले हैं तो इंडिकेट करते हैं कि हरप्पा के जो लोग थे वे भोजन को या मसालों को पीस कर और कई सारे मसालों को जानते थे और उनको पीस कर प्रयोग करते थे ताकि वो भोजन को और अधिक स्वादिष्ट बना सकें एग्रीकल्चर वॉज अ मैन ऑक्यूपेशन कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड उन लोगों का जो कि कंट्री साइड में गांव की ओर रहते थे देखिए जो क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स पे फसलें उगाते थे पशुओं को पालते थे द फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन और जो किसान या जो हर्डर्स थे वो कलाकारों को भोजन देते थे स्क्राइब्स एंड रूलर्स लिविंग इन द सिटीज इसके अलावा जो राजा या शासक जो था या जो लेखक थे जो कि शहरों में रहते थे, थे उन्हें चीज़ें सप्लाई करते थे रिमेन्स फाउंड फ्रॉम द एक्सकेविशन्स ऑफ वेरियसाइट सजेस्ट दैट हरपन ग्रू वीट बाले पल्स पीस राइस सीसम एम एंड मस्टर्ड और विभिन्न स्थानों पर जो खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं विभिन्न वेरियस साइट्स पर उसे प्रूव होता है कि हरपन लोग वीट बाले पल्स पीस राइसम सीसम यानी का मतलब सॉरी सेसमी यानी कि होता है तिल और लिस्ड यानी कि अलसी मस्टर्ड यानी सरसों आदि उगाते थे, थे। कॉटन वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्टवली सिविलाइजेशन और कॉटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद था इंडस्टली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट था इंडस्टवैली सिविलाइजेशन का वुडन प्लो वॉज यूज फॉर टिलिंग फीड्स वुडन प्लो लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था खेतों को जोतने के लिए

केंद्र व्यापार और वाणिज्य का जो था वो इंडस वैली की सबसे प्रमुख विशेषता थी दिस पीपल ट्रेडेड नॉट ओनली विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बट आल्सो विद मेनी अदर कंट्रीज ये जो लोग थे न केवल भारत के दूसरे हिस्सों से बल्कि दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे हरप्पन ट्रेड लिंक्स एक्सटेंडेड टू द सिटीज ऑफ मैसेपोटेमिया वे डजन हरपन सील्स हैव बीन फाउंड और जो हरप्पन व्यापार लिंक थे संबंध थे वो मैसेपोटेमिया तक एक्सटेंडेड थे विस्तृत मैसेपोटिया में का जो शहर थे वहां तक विस्तृत थे क्योंकि दो दर्जन से भी अधिक सील यहां पर वहाँ की पाई गई हैं और सरपल सॉरी सेवरलिकल सील्स ऑफ ओरिजिन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली रीजन और जो कई सारी जो बेलनाकार सील से मेसोपोटामिया की वो भी यहां पर प्राप्त की गई इंडस वैली क्षेत्र से खुदाई से मोस्ट संभवत हरपन गोट कॉपर फ्रॉम राजस्थान हरपन कॉटन राजस्थान से और इसके अलावा इ, इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया से प्राप्त करते थे टिन विच ब्लेंडेड विथ कॉपर टू गेट ब्रॉन्ज वाज ब्रॉड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान और जो टिन था जिसे कॉपर में मिक्स करके ब्लेंड करके ब्रॉन्ज प्राप्त की जाती थी वो अफगानिस्तान से ईरान से प्राप्त किया जाता था गोल्ड केम फ्रॉम कर्नाटका और गोल्ड जो है कर्नाटका से आता था एनप्रेश स्टोन फ्रॉम गुजरात ईरान एंड अफगानिस्तान जो बेश कीमती रत्न पत्थर हुआ करते थे ईरान गुजरात और अफ़गानिस्तान से प्राप्त किए जाती थी। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं एनिमल फिग्रीन और ये विभिन्न प्रकार की सेल्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पशुपालन हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड बुल्स काउस बफेलोस गोर शिप पिक्स एटसेट्रा हड़प्पन लोग बुल यानी कि बेल गाय भैंस बकरी भेड़ पिग आदि को पालते थे डॉग्स एंड कैट्स टू अर डोमेस्टिकेटेड पेट्स कुत्ता और बिल्ली को भी वो पालते थे पेट्स के रूप में इट वॉज नॉट सेट एंड वेदर द न्यू ऑफ हॉर्स द न्यू ऑफ हॉर्सेज और नॉट यह क्लियर नहीं है निश्चित नहीं है कि वो हॉर्सेज को पालते थे या नहीं वाटर एंड वाटर पास्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स और जो वाटर और सेटलमेंट्स थे वाटर एंड पास्चर्स फॉर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स और वाटर और पास्चर्स पानी और जो चारा गाँव हैं उनके बस्तियों के आसपास दिखाई देते हैं बट दे हैड टू टेक लार्ज हर्ट्स ऑफ एनिमल्स सो टू फार ऑफ प्लेसेज इन द ड्राई सम्थ इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर लेकिन उन्हें गर्मी के गर्म सूखे महीनों में अपने जानवरों को पानी और घ्रास के लिए दूर क्षेत्रों में जाना पड़ता था रिलीजन धर्म देखते हैं इट इज़ नॉट वेरी क्लियर एस टू वॉट काइंड ऑफ रिलीजन वॉज फॉलोड बाई दिस पे बिल्ली बिल्कुल फेस्पस्ट नहीं कि वो किस प्रकार का धर्म फॉलो करते थे अ सील हैज़ बीन फाउंड विद अ इमेज ऑफ अ पावरफुल लुकिंग मैन वियरिंग अ हैड ड्रेस विद टू हॉर्न्स एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति की एक सील प्राप्त हुई है जिसने अपने हेड अपने सिर पर टू हॉर्न्नस वाला क्राउन पहने हुए हैं जिस में है बीन वन ऑफ दअर गॉड्स हो सकते हैं उनके किसी देवताओं में से एक है बट वी डोंट नो फॉर श्योर sure, लेकिन हम सुनिश्चित नहीं है एज मैं जैसे पहले बताया गया है by और कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है फीमेल फिगर जिसमें एक महिला की फिगर बनी हुई है कुछ स्कॉलर कुछ विद्वान इसे या कुछ आर्क्योलॉजिस्ट इसे मदर गॉडेस मातृ देवी मानते हैं हावे व्यू डोंट रियली नो वेदर द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप दिस इमेज एज गोडेसो नॉटिपी हम बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि नसवेली के लोग इस फिगर इनकी इस मात इस जो फिगर था फीमेल फिगर उसकी पूजा करते थे देवी के रूप में या नहीं देखिए हम शोविंग यू ये देखिए ऐसे फिगर्स यहाँ पर मिले हैं और ये सील देखिए जिसमें इसने टू हॉर्न वाला क्राउन पहने हुआ है ठीक है रिलीजन वी है देखते हैं प्रशासन द इंडस वैली सिंडी द इंडस सिटीज़ वर वेल एडमिनिस्ट्रेटेड जो इंडस्ट शहर थे काफ़ी अच्छे से प्रशासन था उनमें प्रशासन चल रहा था हाव एवर एवेलेबल एविडेंस डज नॉट सजेस्ट डेट अ सिंगल रूलर और किंग रूल्ड ओवर अ सिटी यद्यपि जो भी हमें स्पष्ट जो भी हमें खुदाई में अवशेष मिले उनसे क्लियर नहीं होता है कि एक सिंगल राजा रूल करता था या कई सारे राजा रूल करते थे शहर पर द सिटीज वर प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेट बाय कमी ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड एंडस्ट हाँ संभवतः तो जो शहर थे उनमें एक लोगों की समिति हुआ करती थी जिसमें रिच मर्चेंट्स अमीर व्यापारी और पंडित हुआ करते थे दिस या पुजारी हुआ करते थे दिस कमेटी लुकड आफ्टर डिफरेंट टास्क सच इज रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कलेक्शन ऑफ टैक्सेज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एट्सेट्रा एंड ऑफ हर्पन सिविलाइजेशन देखते हैं कि हड़प्पन सभ्यता कैसे एंड हुई दिस सिविलाइजेशन बिगेन टू एन अराउंड थर्टी नाइन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड ईयर एग हुई सभ्यता लगभग तीन हज़ार नौ सौ वर्ष पहले समाप्त हो गई साइड्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वन जो सिंध और वेस्ट पंजाब की जो स्थान थे उन्हें छोड़ दिया गया मैनी पीपल मूव इन टू न्यू एंड स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ और कई सारे लोग जो नए सेटलमेंट्स थे या नए छोटे और ईस्ट और साउथ की बस्तियों में चले गए द रीजन फॉर दिस माइग्रेशन वर इस माइग्रेशन के रीजन थे रिवर्स ड्राइड अप कुछ विद्वान तो मानते हैं कि नदियाँ सूख गई होगी देर में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई होगी पॉसिबली डिफोरेस्टेशन अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल एज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मैल्टिंग कॉपर ऑर्स असंभव तो हो सकता है जो डिफॉर डिफोरेस्टेशन जंगलों की काटने की वजह से बहुत अधिक वहाँ पर अकाल पड़ गया सूखा हो गया हुआ क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल चाहिए होता था बेकिंग ब्रिक्स ब्रिक्स को बनाने में और स्मैल्टिंग कॉपर और जो तांबे को गलाने के लिए इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्स ऑफ कैटल में है द दे ग्रीन कवर ये भी माना जाता है कि कैटल के द्वारा मवेशियों के द्वारा चराए जाने की वजह से जो ग्रीन कवर था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया इसलिए लोग दूसरी जगह चले गए अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या योगदान है द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ मेड अ रिच कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड सिविलाइजेशन एज नॉट इट बिलो और जो ये सभ्यताएं इसने बहुत अधिक योगदान दिया है हमारे संसार की सभ्यताओं में जो कि नीचे हैं बिंग द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इट गिव टू द वर्ल्ड द फर्स्ट अर्बन सिस्टम फ़र्स्ट टाउन प्लानिंग फर्स्ट आर्किटेक्चर इन स्टोन फर्स्ट एग्जाम्पल इन सैनिटरी इंजीनियरिंग सीवेज वर्क एंड सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ये पहली सभ्यता है जहाँ पर जो टाउन प्लानिंग थी बहुत सुनियोजित शहर थे आर्किटेक्चर था स्टोन वर्क में और सफाई व्यवस्था जो थी सीवेज वर्क जो था नाली व्यवस्था और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सुपर था इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो हैव द क्रेडिट ऑफ प्रोड्यूसिंग पोट्री एंड व्हील कार्ड एंड द एनिमल फोर्स फॉर मैं यूज और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले आ, योगदान दिया प्रोड्यूसिंग पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाने में व्हील कार्ड और जो व्हील्ड कार्ट बनाने में पहिए वाली गाड़ी बनाने में हार्डेसिंग द एनिमल फोर्स फॉर एनिमल यूज और जो जानवरों की जो शक्ति थी उसे मनुष्य के काम में लगाने में उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया द वर्शिप ऑफ शक्ति इन लॉर्ड शिवा रेस्पेक्ट फॉर सर्टेन ट्रीज लाइक पीपल एनिमल्स लाइक खाऊ एंड बुल कुड बी रिगार्डेड एज अ लेगेसी ऑफ द इंडस वैली पीपल और विभिन्न प्रकार की शक्ति या भगवान शिव की पूजा करना कुछ विशेष जो ट्रीज़ थे उनको रेस्पेक्ट देना जैसे कि पीपल है आदि है और इसके अलावा एनिमल जैसे काँव और बुल को पूजा जाना ये इंडस वैली सभ्यता की प्रमुख धरोहर के रूप में माना जाता है आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और आप खुद से ये चैप्टर पढ़ के देखिए जो भी नोट्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको रेगुलर करिए ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे हैव है नाइस डे ओके बाय